दोस्त कौन कहता है कि स्टूडेंट्स को नींद नहीं आती है। अरे नींद तो इनको भी आती है, इनका भी मन होता है कि थोड़ा सा आराम कर ले। लेकिन फिर भी आप मुखर्जी नगर, कोटा, पटना की उन गलियों में जाकर देखोगे ना, उनके छत के ऊपर से जाकर रात में अगर देखोगे ना, तो पता है कई ऐसे रूम आपको दिखेंगे जिनका लाइट देर रात रात तक ऑन ही रहता है। दोस्त शौक नहीं है इन स्टूडेंट्स को जगराता करने का, सच तो ये है कि इनके सपने इन्हें सोने नहीं देते हैं। क्योंकि यार ये लोग अपने घर की हालात को अच्छी तरीके से समझते हैं। ये लोग चाहते हैं कि जितना जल्द हो सके नौकरी लेकर अपने माँ बाप का सहारा बनेंगे। माँ बाप की उस उम्मीद पे खरा होना चाहता है। पापा की मजदूरी और माँ की चिंता स्टूडेंट्स का लाइट बंद होने नहीं देता। मेरे दोस्त जब भी इन्हें पढ़ाई करने का मन नहीं करता है ना, तो पता है लोग तो आंख बंद करके सपने देखते हैं, लेकिन एक स्टूडेंट्स बिस्तर पर लेट कर खुले आंखों से सपने देखने लगते हैं। और उन सपनों में होता है पिता की दी हुई हर महीने की मजदूरी और माँ का प्यार। उन सपनों में ना चाहते हुए भी पूरे दिन का कैलकुलेशन चलने लगता है कि आज इतना खर्च हुआ, रूम रेंट भी देना है, और फिर ये सोचने लगता है कि ये जो आज का खर्चा है ना, ये मेरे पिताजी के पूरे दिन का खर्चा हो जाता है, पता नहीं कैसे मैनेज करते होंगे। और दोस्त यही सब सोच सोच करना इनके कमरे में देर रात तक लाइट बंद नहीं होते और इन्हें पढ़ाई करने पर मजबूर कर देता है। ये होता है एक मिडिल क्लास स्टूडेंट्स का स्ट्रगल, जिसे ना कोई बताता है और ना ही ये खुद किसी के साथ शेयर करते हैं। लेकिन दोस्त अंत में मैं स्टूडेंट्स से यही कहना चाहता हूँ कि अपनी स्ट्रगल को देखकर कभी हार मत मानिएगा। क्योंकि दोस्त जिसने भी रातों से जंग जीती है ना, सुबह सूर्य बनकर भी वही चमका है।